हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आयरन एंड कास्ट आयरन के बीच में डिफरेंस, इससे बने हुए जो यूटेंसिल होते हैं उसे हम किस तरह से किचन में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा यूटेंसिल किस चीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है। तो आज मैं आपके साथ कंपेयर शेयर करूँगी दो कढ़ाई के बीच में, एक कास्ट आयरन की कढ़ाई है और एक आयरन की कढ़ाई। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों का जो मटेरियल है वो किस तरह से डिफरेंट है और इसका हम यूज़ किस तरह से किचन में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर जो आप पहली कढ़ाई मेरे पास देख रहे हैं ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है और काफ़ी हेवी वेट ये होती है कंपेयर टू आयरन की कढ़ाई। तो यहाँ पर ये मेरे पास आयरन की कढ़ाई है, ये इससे साइज में डबल है बट इसका जो वेट है वो इसका आधे से भी कम है। तो ये इस तरह से है, इस तरह से दिखती है आयरन की कढ़ाई जो हम रेगुलर किचन में यूज़ करते हैं। और कास्ट आयरन का थोड़ा सा डार्क कलर होता है और ये हैवी होता है और इसको आप देख पाएंगे पास से तो ये पोरस होती है काफ़ी इस तरह की और हैवी काफ़ी होती है। तो डिफरेंस ये सबसे बड़ा है कि ये हैवी काफ़ी होती है और ये थोड़ी लाइट वेट होती है। और आयरन की कढ़ाई को जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं इसके बीच में ये जो कलर है ब्लैक ही आता रहेगा, बट अगर इसको लेमन और सॉल्ट के साथ आप क्लीन करते हैं तो ये बिल्कुल वाइट भी हो जाती है। बट जो कढ़ाई है कास्ट आयरन की वो आपको इसी तरह से कलर में मिलेगी। तो चलिए बाकी की चीज़ें भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। फर्स्ट जो हमारे पास ये आयरन की कढ़ाई है ये प्योर आयरन की होती है, यानी कि आयरन शीट होती है, उसे टूल्स का यूज़ करके प्रॉपर शेप देके इस तरह से कढ़ाई या फिर तवा बनाया जाता है। तो आयरन के ज़्यादातर कढ़ाई या तवा ही आपको मिलेंगे या फिर बड़े कढ़ाहे जो होते हैं वो मिलते हैं आयरन के बने हुए। तो इस तरह से ये प्योर आयरन का होता है, जबकि जो कास्ट आयरन हमारे पास है ये प्योर आयरन नहीं होता है, ये एक एलॉयड है। इसमें 97% तो आयरन होता है बट इसमें कार्बन एंड सिलिकॉन का भी कुछ परसेंट होता है, जो 3% हमारा बचता है। इस तरह की कास्ट आयरन की कढ़ाई बनाने के लिए आयरन को पहले मेल्ट किया जाता है और फिर जैसे कढ़ाई बनानी है तो कढ़ाई वाला जो मोल्ड होता है उसमें उसे डालकर सेट किया जाता है और फिर इसमें सैंड कास्टिंग की जाती है। उसके बाद ये कास्ट आयरन की कढ़ाई या पैन या फिर काफ़ी तरह के यूटेंसिल बनते हैं कास्ट आयरन के, काफ़ी स्केलेट अलग अलग शेप के बनते हैं, डच पैन बनते हैं तो इसको शेप दे सकते हैं, तो इसलिए मोल्ड होते हैं काफ़ी तरह के, तो इसलिए इसकी शेप काफ़ी डिफरेंट होती है। वेट में आप जितना हैवी बनाना चाहें, जितनी थिकनेस रखना चाहें उतनी ज़्यादा रख सकते हैं, तो ये इसमें ऑप्शन होता है। ये जो आयरन की कढ़ाई है शीट से बनती है और इसको टूल्स की मदद से पीटा जाता है, पीटने की वजह से ये और थिन थिन हो जाती है। इसकी जो आप देख सकते हैं थिकनेस काफ़ी कम होती है, तो इसकी थिकनेस भी कम होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, वेट भी ज़्यादा होता है और इसका वेट कम होता है। तो पहला डिफरेंस तो आप यही समझ लीजिए कि ये एक एलॉयड है और एक प्योर आयरन है। सेकेंड डिफरेंस कुकिंग में है, जो हम आयरन की कढ़ाई है ये वेट में कम होती है, साथ ही इसकी थिकनेस कम होती है, तो जब आप गैस पर रखेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और इसमें खाना जलने का चांस रहता है, तो आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है आयरन की कढ़ाई में। जबकि कास्ट आयरन की कढ़ाई में अगर आप सब्जी बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये शाइन, ये इसको एक नॉन स्टिकी इफेक्ट दे देता है। इस तरह से प्रॉपरली सीजन जब हो जाती है कढ़ाई तो वो नॉन स्टिकी की तरह एक्ट करने लगती है, तो इसमें आपका ऑयल भी कम लगता है। तो सेकेंड डिफरेंस तो ये है दोनों चीज़ों में। थर्ड, जो कास्ट आयरन कढ़ाई पैन या स्केलेट होते हैं ये स्लो कुकिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक बार ये गर्म हो जाते हैं तो हीट को रिटेन करके रखते हैं, फिर आप लो फ्लेम भी कर दें तो बहुत आराम से खाना इसमें कुक होता है, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये स्लो कुकिंग के लिए एकदम बेस्ट यूटेंसिल है। जबकि जो आयरन कढ़ाई हमारी होती है, आयरन वॉक जो होते हैं, चाइनीज़ रेसिपी में आपने देखा कि बहुत तेज़ आंच में फ्राइंग होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें शीट पतली होती है, तो इसमें एकदम हीट ये लेके आप स्टर फ्राई या जो बहुत फास्ट कुकिंग वाली चीज़ें हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। और अगर आप कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो फिर इसमें ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
ये तो था कि इसमें किस तरह से कुकिंग कर सकते हैं या ये किस तरह से बनते हैं दोनों यूटेंसिल। अब हम जान लेते हैं कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। दोनों ही कुकवेयर हमारे आयरन के हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, ड्यूरेबल हैं, सदियों से ये किचन में यूज़ होते हैं और जनरेशन तक चलने वाले दोनों यूटेंसिल हैं। दोनों ही यूटेंसिल में रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपको इनको प्रॉपरली सीजन करके रखना होता है। अगर आप को क्लीन करने के बाद ऐसे ही छोड़ दें तो इसमें रस्ट आ जाएगा। आपको जब भी आप इन दोनों तरह के यूटेंसिल को क्लीन करें तो इसे अच्छे से सुखा लें पहले, उसके बाद इसमें ऑयलिंग करके रखें तो इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, दोनों ही यूटेंसिल से हमें आयरन मिलता है, चाहे आप आयरन की कढ़ाई में खाना बनाएं चाहे आप कास्ट आयरन की कढ़ाई में खाना बनाएं। बट कास्ट आयरन की जो कढ़ाई है उसमें हम स्लो कुकिंग करते हैं तो इसमें हमें आयरन ज़्यादा मिलता है, जबकि आयरन की कढ़ाई से उतना नहीं मिलता है, ये रिसर्च में बताया गया है। बट आयरन हमें दोनों यूटेंसिल से उतना ही मिलता है, चाहे आप आयरन की बर्तन में बनाएं चाहे कास्ट आयरन के बर्तन में बनाएं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी कवर किए, इससे आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये दोनों किस तरह से बनते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो जहाँ तक ओवरऑल कंक्लूज़न है वो ये है कि दोनों ही आयरन के बने हुए हैं। एक थोड़ा सा लाइट वेट है, एक हैवी वेट है। तो हैवी वेट होने से हम स्लो कुकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं और जो कुकिंग होती है स्लो वो काफ़ी टेस्टी खाना आप कह सकते हैं या हेल्दी भी रहता है, और आयरन भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, इसलिए कास्ट आयरन आयरन से बेस्ट माना जाता है। वैसे दोनों ही आयरन के हैं, आपको दोनों ही प्रोडक्ट से आयरन मिलता है और दोनों में ही केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों को ही ऑयल लगा के अगर आप नहीं रखेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट में रस्टिंग हो सकती है, होती ही है। तो दोनों को केयर सेम चाहिए, जैसे कास्ट आयरन को भी ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर सीजन करना पड़ता है, वैसे ही आयरन की कढ़ाई को भी करना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि जो आयरन की कढ़ाई है उसमें जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जबकि कास्ट आयरन की कढ़ाई को जितना आप सीजन करेंगे, ऑयल लगा के रखेंगे, वो नॉन स्टिक की तरह एक्ट करने लगता है। तो आप उसे एज अ नॉन स्टिक बर्तन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर केयर के साथ रखते हैं, तो वहाँ पर ऑयल आपका कम लगता है, एक हेल्दी तरह की कुकिंग होती है। तो बस यही थे इसके कुछ डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।